जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली टीओडी उसके ऊपर जितने भी बच्चे जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनका ये मानना होता है कि मिल जाओ तुम भले ही जमाने लग जाए या तो तुम मिल जाओ या फिर हम ठिकाने लग जाए। तो लाडलो जितने भी बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज क्या है और गुड न्यूज क्या है, क्योंकि टीओडी को लेकर आप सभी को पता है कि टीओडी आज से लागू होने के बहुत सारे चांस बताए जाते हैं। आप सभी ने देखे होंगे अभी तक वीडियो कि टीओडी के बारे में आज या कल में आपके पास में पूरी जानकारी आ जाएगी कि कितने इसकी पोस्टें रहेगी, किस हिसाब से इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है। वैसे 90% चांस था कि आज इसके बारे में पीएम संबोधित करे टीओडी को लागू करने के लिए और इसकी पूरी की पूरी जानकारी। साथ ही एक चीज और बता देता हूँ लाडलो, जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी कलर 252 की, उन सभी के लिए ओलिव बोर्ड की तरफ से मेगा टेस्ट रखा गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भी बहुत सारे भयानक ऑफर चल रहे हैं ओलिव बोर्ड की तरफ से, तो वो भी आप ले सकते हो जो तैयारी कर रहा है एनटीपीसी की और आरआरबी की, आरआरबी एनटीपीसी की लाड लो। अब जो टीओडी है ये लागू होगी तो लगभग इसमें 40 से 50 हजार जवान भर्ती किए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज है कि 40 से 50 हजार जवान भर्ती किए जाएंगे लेकिन 4 साल के लिए। अब तो 4 साल के लिए जो जवान भर्ती होंगे उनको सुविधा क्या क्या मिलेगी इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कई ऐसे विकसित देश है जिसमें बहुत पहले से चल रही है, जैसे 4 साल के लिए अमेरिका में बहुत पहले से चल रहा है, उनमें उनको सुविधा क्या मिलती है मैं आपको उनकी तुलना कर देता हूँ, फिर आप अनुमान लगा लीजिए। साथ ही बेड न्यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गुड न्यूज है ये, यहाँ तक आप मान के चलिए कि 40 से 50 हजार ऐसे युवा जो अभी प्रेजेंट टाइम में बेरोजगार है उनको एक रोजगार का माध्यम मिलेगा इसकी वजह से, और उनको आगे जीवन में भी बहुत सारा फायदा मिलेगा। देखो अमेरिका जैसे देशों में जो जवान यानी जो बच्चा 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में वहां की सेना में जाता है और फिर वापस घर आता है तो उसको एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर दी जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का एजुकेशन करे उसकी पूरी एजुकेशन फ्री लाइफ टाइम तक सरकारी सुविधाएं मिलती है उसको अलग अलग प्रकार, ठीक है, स्कॉलरशिप सुविधा दी जाती है कि कोई भी जब तक वापस रोजगार नहीं लगता तब तक, जैसे अभी कई स्टेट रोजगार भत्ता देते हैं ना उस प्रकार से स्कॉलरशिप मिलती है उनको जब तक वो अगली जॉब नहीं लग जाए, एक लिमिटेड वहां पर जो मिलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही जैसे कोई बड़ा जैसे डॉक्टर बनना चाहता है और प्रकार किसी भी प्रकार का ऐसा सपना है उसमें उसको सुविधा। साथ ही जिस प्रकार से कैटेगरी है जनरल ओबीसी एससी एसटी इसी प्रकार एक नई कैटेगरी हो जाएगी टीओडी, तो इसके लिए इसका एक आरक्षण फिक्स होगा जो बाकी स्टेट पुलिस की जो वैकेंसियां होंगी या स्टेट पुलिस की जितनी भी वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी जितनी वैकेंसी होगी इनमें एक आरक्षण होगा। साथ ही उसकी एज लिमिट बढ़ा दी जाएगी यानी आयु की सीमा है उसको बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय सुविधाएं और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं जो उसको परिवार को जीवन पर्यंत यानी मेडिकल उसका फ्री रहेगा, जैसे आर्मी के जवान करता है उसी प्रकार उसकी मेडिकल की सुविधाएं बिल्कुल फ्री रहेगी हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वहां रहती है, वो मैं आपको वहां की बता रहा हूँ। आप इसके बारे में जानकारी गूगल से भी ले सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है। इस प्रकार के कई सुविधा होगी, उसकी एजुकेशन फ्री होगी, उसको भर्तियों में आरक्षण दिया जाएगा ताकि दूसरी वैकेंसी सिविल सर्विसेज करना चाहता है आगे तो उसको उसमें फायदा मिलेगा, चाहे वो आईपीएस हो चाहे यूपीएससी फाइट करना चाहे या किसी स्टेट का स्टेट टीचर बनना चाहे, हर एक में उसको कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 4 साल बाद में फिर जिंदगी खराब नहीं होगी, 4 साल के बाद में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जिसके फायदे से आपका जीवन सवर सकता है। आपके लिए एक पहला कदम है, सरकार इसकी मंशा ये रखती है कि एक तो ऊंची बहुत सारे जो जवान है वो पहले से ट्रेन रहे, साथ ही उनको रोजगार दिया जा सके कुछ समय के और उसके बाद में वो काबिल हो सके दूसरी वैकेंसी की तैयारी या जीवन में आगे बढ़ने के साथ, ठीक है। अब बेड न्यूज क्या है, जो ये 40,000 पद इकट्ठे किए गए मैं आपको बताऊं 40 से 50 हजार पोस्ट की जो वैकेंसी इकट्ठी की गई है ये कहां से की गई है इसके बारे में जानकारी दी। जैसे आप सभी को पता है 16 से 17 लाख या लगभग ये आंकड़ा रहता है हमारे देश की सेना का यानी डिफेंस का, उसमें से जो भी आर्मी रहती है अभी सबसे पहले ये आर्मी में ही आजमाया जा रहा है, तो आर्मी में क्या होगा जैसे मान लो 100% जो वैकेंसी होती है उसमें से 10 से 15% तक डाउन कर दी जाएगी, तो आर्मी की जो मेन वैकेंसी उसमें 10 से 15% सीटें कम कर दी जाएगी और इन्हीं सीटों को जैसे उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि एक जवान 100 बंदे हैं उनमें से 15 बंदे तोड़ लिए जाए, अब ये बंदे जो बाकी जो बंदे हैं 16 साल तक सर्विस करते हैं और ये 15 4 बार तो इससे कितनी सीटें हो जाएगी 60 सीटें बन जाएगी, इसी प्रकार इन सीटों को बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा वैकेंसी डेवलप होती है इससे
और इसी प्रकार से जो 10 से 15% जो सीटें हैं वो आरक्षित जो फिक्स सीटें आर्मी की उनमें से हटाई जाएगी और उसके रूप में इन सीटों को काम में लिया जाएगा। अब इससे यह होगा कि 4 गुना लोगों को ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन हाँ वो कम समय के लिए होगा, लेकिन होगा 4 गुना ज्यादा लोगों को। तो इसके जो मकसद है वो मैंने आपको बता दिया और यही है टीओडी। आज या कल में इसकी रूपरेखा जारी होने के बहुत ज्यादा चांस है। अब आज तो नहीं हुई अभी तक और ना इसके बारे में कोई अपडेट आई, लेकिन कल तक इसकी रूपरेखा आपके सामने आने के बहुत ज्यादा अपडेट है। हो सकता है कि कल के न्यूज़पेपरों में इसके बारे में आप बहुत सारी जानकारी पढ़ो। जय हिंद, जय भारत माता।